सवाल का जवाब दें। हालांकि भाषा और संवेदना का सवाल काफी एक जटिल सवाल है, पर ये जो आवाज है और इसको लकीरों में ढालने की जो तासीर है, क्या ये आपको विरासत में मिली? देखिए, फॉर्चुनेटली आई वॉज बोर्न इन अ फैमिली जहाँ ऑलमोस्ट एवरीबडी वॉज अ राइटर एंड सिंस जनरेशंस दे वर राइटर्स। आई थिंक आई एम द सेवेंथ जनरेशन राइटर एंड राइटर्स ऑफ सर्टन रिकग्निशन दे आर मैंशन इन एनी रिस्पेक्टेड उर्दू एंथोलॉजी। लेकिन ये तो है कि अगर आप किसी एटमोसफियर में पैदा हुए हैं, उसी में आप you have been brought up there, to whatever is around you comes into you through some process of osmosis. But there is a difference between zamindari and writing. Zamindari to inherit kar leta aadmi bahut aaram se. You can't inherit poetry or writing like that. To ye zarur hai ke you are exposed to literature, you are exposed to poetry, and it helps you to learn so much. But ultimately, it is for you to learn and to carry forward the tradition that is your own effort, your own talent, your own caliber. तो देखिए, साहित्य की जो साहित्य प्रेमियों की दुनिया तो खैर छोटी सी है, पर आपको जानने वाले लोग इससे बाहर हैं। भारत के शायद सभी परिवार में आपको लोग जानते हैं, पसंद करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, और शायद इसका सबसे बड़ा श्रेय हिंदी फिल्मों को जाता है। आज भी अगर पटकथा लेखक के रूप में लोग अगर किसी का नाम जानते हैं तो वो है सलीम जावेद का नाम। तो ये जो हिंदी फिल्मी कहानियों का जो आपने कुनबा जो खड़ा किया, और इसमें जो एक किरदार और एक आवाज जो बार बार उभर के आई, एक एंग्री यंग मैन की, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो ये सो कॉल्ड एंग्री यंग मैन की इमेज है, और ये जो चार पांच फिल्में थी हमारी, जैसे जंजीर या दीवार, शोले, त्रिशूल, शक्ति, इनके बारे में हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत लिखा गया है। यूरोप में भी, अमेरिका में भी कई लोगों ने तो इस पे थीसिस लिखे हैं और उसको एनालाइज किया है, और इन फिल्मों का जो लैंग्वेज का मेटाफर है उसके बारे और बहुत सारी बातें होती है। बल्कि बहुत सारी बातें तो जब मैं वो पढ़ता हूँ इस तरह के आर्टिकल्स और थीसिस, तो मुझे पता चलती है, मुझे खुद ही नहीं मालूम थी एक्चुअली। टू बी ऑनेस्ट, व्हेन वी वर डूइंग दीज स्क्रिप्ट, वी वर जस्ट ट्राइंग टू राइट एन इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट। अब उसमें बहुत से सोशियो पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशंस और उसके नुएंसेस देखे जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि वो सब गलत हैं, उनमें से बहुत सही भी होंगे। जो एंग्री यंग मैन की इमेज है, वो क्यों इतनी पॉपुलर हुई थी? क्या आज भी हो सकती है उतनी पॉपुलर? या 1950 में हो सकती थी? परहैप्स नॉट। लेकिन ये इट वॉज नॉट प्लान्ड, इट वॉज नॉट थॉट ऑफ, कि ये एक स्कीम थी कि दिस इज व्हाट द सोसाइटी वांट्स, सो वी शुड ऑफर देम दिस सो दे विल लैप इट अप। ऐसा नहीं था, और बहुत अच्छी बात है कि वी वर टोटली अनअवेयर ऑफ एनी सोशियो पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक रिलेवेंस ऑफ दिस स्टोरीज और द कैरेक्टर। इट्स वेरी हेल्दी एंड वेरी गुड। उसकी वजह यह है कि ये इग्नोरेंस इसलिए थी कि हम सोसाइटी को बाहर से देख के उसके बारे में डिसीजन नहीं ले रहे थे। हम उस सोसाइटी का पार्ट थे, वी वर ब्रीदिंग दैट सेम एयर दैट अदर्स वर ब्रीदिंग, सो सम वी वर इन सिंक विद द सोसाइटी, वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एंड विदाउट नोइंग दैट दिस इज कलेक्टिव थिंकिंग, वी वर ऑल्सो थिंकिंग द वे मोस्ट ऑफ द पीपल वर थिंकिंग, एंड दैट वॉज वेरी फॉर्चुनेट ऑफ अस दैट अ आइडियाज, अ थॉट्स, अ फीलिंग वर इन सिंक विद द सोसाइटी, एंड दैट इज वाई दिस फिल्म एंड दिस कैरेक्टर बिकम सो पॉपुलर। सब आपने जो है स्क्रिप्ट राइटिंग पहले शुरू की, उसके बाद यू टुक टू पोएट्री, एंड हाउ आर दीज टू क्रिएटिविटीज डिफरेंट, फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? देखिए, पहले तो ये है कि होता क्या है कि अगर एक दुकानदार है, उसका लड़का बिगड़ जाता है तो वो दुकान पे नहीं बैठता। तो ऐसे ही मैं भी असल में अपनी फैमिली का बिगड़ा हुआ लड़का था, तो अब मैं अपना रिबेलियन कैसे दिखाऊं? अगर मैं पोएट्री लिखने लगता तो फिर तो मतलब फॉलिंग इन लाइन था ना। तो मैंने पोएट्री, मुझे मालूम था 15-16 साल की उम्र से दैट आई कैन राइट इन मीटर, आई अंडरस्टैंड पोएट्री। मुझे 15-16 साल की उम्र तक तो कई हजार शेर याद हो गए थे, 12-13 साल की उम्र से याद है। आज भी मैं दूसरों लोगों की पोएट्री, जो उसी समय की है,
उसी टाइम में मैंने याद हुई थी मुझे, वो मैं आपको कई घंटे सुना सकता हूँ। मेरे जो कॉलेज में फ्रेंड्स थे जो पोइट्री करते थे या कॉलेज के बाद भी, मैं उन्हें सजेस्ट भी कर देता था लाइन, लेकिन मैं खुद नहीं लिखता था। एक्चुअली मैंने पोइट्री लिखना उस एज में शुरू की जिस एज में आमतौर से लोग पोइट्री लिखना छोड़ देते हैं, तो थोड़ा लेट हुआ यह काम। लेकिन होता क्या है कि आप कितने भी रिवल कीजिए, घूम फिर के बनिया का लड़का दुकान पे बैठ ही जाता है आके, तो सो मैं भी बैठ गया। जहाँ तक स्क्रिप्ट राइटिंग का ताल्लुक है, आई थिंक एनी बडी हु इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग फिक्शन ऑन वन हैंड एंड इज इनैमर्ड बाय द ग्लैमर ऑफ सिनेमा ऑन द अदर हैंड, तो वो फिर ये तो बड़ी नेचुरल बात है कि उसके ध्यान में आएगा कि ये कहानी जो मैंने पढ़ी है या ये कहानी जो मैंने सुनी है ये फिल्म में कैसी लगेगी। तो मैं तो जब कॉलेज में था डिसाइडेड, देयर वाज नो कंफ्यूजन इन माय माइंड दैट आफ्टर ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन भी एक वजह से मैं कर रहा था आपको बता दूं, उसकी वजह से क्वेस्ट फॉर नॉलेज नहीं था। वो उस जमाने में कुछ मैगजीन थे जो हिंदी उर्दू के होते थे, तो उसमें हर वीक, अगर वीकली था तो हर वीक एक कॉलम आता था फिल्म की किसी पर्सनैलिटी के बारे में कि पैदाइश यहाँ हुई, एज साल ये है, इस ईयर ऑफ बर्थ ये है, और शौक ये है, फेवरेट कलर ये है, ये सारी चीजें होती। उसमें एक ये भी होता था कि शिक्षा, एजुकेशन, तो काफी लोगों के बारे में आगे लिखा होता था एजुकेशन के आगे, ज्यादातर घर पे ही मिली है। तो मैं ये नहीं चाहता था कि जब मैं फिल्मों में जाऊं तो मेरे आगे ये लिखा हो, तो मैं चाहता भाई कम से कम ग्रेजुएट तो लिखा हो जाने से पहले, तो इतना तो पढ़ लेना बहुत जरूरी है। एक्चुअली आई एम द मोस्ट अनएजुकेटेड पर्सन ऑफ माई फैमिली, आई एम ओनली अ ग्रेजुएट, तो उसके बाद आगे लिखा हो ग्रेजुएट। तो वो पढ़ने के बाद व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे ज्वाइन फिल्म इंडस्ट्री एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, आई यूज टू थिंक दैट आई विल बिकम अ डायरेक्टर, मगर ये कि जब मैं वहां गया तो कहीं जो डायरेक्टर्स होते थे उनके सीन में कुछ गड़बड़ होती थी तो मैं उसे ठीक कर देता था, जस्ट टू प्रूव माय यूटिलिटी कि भाई मैं भी किसी काम का हूं। तो फिर हर एक मुझे कहता था कि तुम लिखा करो, और तुम लिखो, फिर आगे सीन भी लिखाने लगते थे। तो धीरे धीरे पीपल हुआ अराउंड मी एंड माई पीयर्स देयर, दे पुश मी एंड द डायरेक्टर पुश मी इन दिस डायरेक्शन, फिर उसके कुछ रिजल्ट भी ठीक ही निकले और तो अच्छे रहे, तो फिर मैं उधर ही चला गया। पोएट्री राइटिंग जो है मैंने शुरू की अराउंड 78-79, तो जो पहला एक फ्लैश ऑफ सक्सेस था वो पूरा हो गया था। अब वो पहले पहले तो हर चीज एक्साइट करती है, हिट होना पिक्चर का और जुबली होना और ट्रॉफी मिलना और अवार्ड मिलना, अब वो होते होते उसका भी एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी उस पर लग जाता है, फिर वो आपका एक्साइटमेंट जो है उतना नहीं रहता। और फिर कुछ कई बातें हुई, माय फादर आल्सो पास्ड अवे एंड देन माय यंगर ब्रदर हु वाज इन यूएस, ही वाज राइटिंग पोएट्री सिंस अ वेरी यंग एज एंड उसकी भी किताबें छप गई थी और बड़ी अच्छी पोएट्री करता था, तो मैंने कहा भाई ये तो पूरी फैमिली ट्रेडिशन छोटा भाई लेके भाग जाएगा, तो ये भी एक फियर था। दूसरा ये भी था कि फादर नहीं रहे थे तो अब जब बाप ही नहीं रहा तो अब झगड़ा किससे करें, तो मैंने कहा छोड़ो भाई अब जो हो गया अब तो शायरी वारी शुरू कर देते हैं। एक्चुअली होता क्या है ऑन अ मोर सीरियस नोट कि इफ यू आर अवेयर व्हाट इज गुड पोएट्री और व्हाट इज गुड म्यूजिक और व्हाट इज गुड प्रोज और व्हाट एवर, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टार्ट डूइंग इट बिकॉज यू फील इंटिमिडेटेड। एक जो इग्नोरेंस की करेज होती है वो अलग होती है कि पता ही नहीं है कि अच्छा क्या होता है तो हम लिखने लगे, लेकिन जब आपको मालूम है कि मास्टर्स ने क्या काम किया हुआ है और कितना अच्छा काम किया हुआ है तो हिम्मत नहीं पड़ती कि हमने लिखा तो पता नहीं कैसा होगा। अच्छा इत्तेफाक से मेरी फैमिली में भी माय फादर, माय मैटरनल अंकल मजाज, एनीबडी हु नोज एनीथिंग अबाउट उर्दू वुड नो देयर नेम्स, my grandfather, all of them were big poets, and because of them I knew all the contemporary big poets of the subcontinent personally from my childhood. I was familiar with their work,
आई वॉज फेमिलियर विद क्लासिकल उर्दू पोएट्री, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न एंड सो ऑन, प्रोग्रेसिव पोएट्री. तो वो खौफ इतना था कहीं दिल में कि तब भी उसकी भी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके सोचा कि चलो करते हैं. तो इसमें टाइम लग गया. एक तो वजह यह थी कि वो फिल्मों का ग्लैमर और फिल्म में जो सक्सेस मिली दैट वॉज वेरी सिडक्टिव, तो दूसरी चीज का टाइम ही नहीं था. दूसरी तरफ आई हैड रादर स्लाइटली, लेट मी पुट इट वेरी डिप्लोमेटिकली, अनयूजुअल रिलेशन विद माई फादर. तो वो भी एक चक्कर था कि क्यों करूं मैं, मुझे नहीं लिखना. कुछ ये भी था और कुछ ये भी था कि एक फियर भी था कि अगर लिखा तो पता नहीं कैसा, कितना अच्छा होगा कि नहीं होगा. लेकिन विद टाइम, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन, आई गॉट ओवर ऑल दीज थ्री हर्डल्स. जैसे उर्दू शायरी की बात करें तो उसका एक लंबा गौरवशाली इतिहास रहा है, गालिब, मीर से लेके इकबाल, फैज, फराज और फिर सरदार जाफरी, मजरू, साहिर, जिसमें आपके वालिद जानसार अख्तर का भी नाम शामिल है. और इस उर्दू साहित्य की जो का जो विकास का जो सिलसिला चला उसमें शायद सबसे ऊंची जो उसने जो बुलंदियां हासिल की वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट के वक्त थी, और जिसमें अभी के वक्त में कुछ गिरावट जरूर नजर आती है. और इस बारे में बात करते हुए अभी के प्रोग्रेसिव क्रिटिक शमशूर रहमान फरूकी ने कहा कि उन्होंने अपने ही अंदाज में कहा कि इसके पीछे शायद एक मूल कारण यह है कि लेखकों में बढ़ती नॉन सीरियसनेस या अगंभीरता. तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत एक्चुअली बड़ा लंबा सवाल है, बल्कि ये बहुत सारे सवाल आपने एक साथ कर लिए, लेकिन जो आखिरी हिस्सा है चलो उसी को लेकर चलते हैं, बाकी बातें अभी भूल जाते हैं, वो बाद में करेंगे. एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, मुझे मालूम नहीं यहां क्या सिचुएशन है, आई मस्ट एक्सेप्ट माई इग्नोरेंस व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल. मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा इंस्टिंक्टिवली कि शायद यहां ये नहीं हो रहा होगा, बिकॉज पीपल ऑफ दिस पार्ट ऑफ इंडिया आर रादर प्राउड एंड लॉयल टू देयर लैंग्वेज. हो ये रहा है कि हमारे यहां एजुकेशन सिस्टम जो है, और ये लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और जो कुछ है उसने जो कॉर्पोरेटाइजेशन किया है सोसाइटी का, उसमें इंग्लिश हैज बिकम दी नेसेसिटी. और उसमें मतलब मुझे उस पर एतराज भी नहीं है, वो लोगों में से मैं नहीं हूं जो कहते साहब हिंदी तो इंग्लिश तो विदेशी भाषा है इसे निकाल दो, ये सब बेकार बात है. इंग्लिश जो है अब इंग्लैंड की जबान नहीं रही है, इंग्लिश दुनिया की जबान है, और उसके बिना यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वो तो बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन हो ये रहा है कि अवर मिडिल क्लास एंड अवर अपर मिडिल क्लास, देयर चिल्ड्रन आर लर्निंग इंग्लिश एट द कॉस्ट ऑफ देयर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस. तो फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज कहां जाएगी, चाहे कोई भी जमान हो हिंदुस्तान की, उसके साथ ये हो रहा है. हमारी जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी अपनी लैंग्वेजेस, जमीन से उगी हुई लैंग्वेजेस हैं, वो अपर क्लास ने, मिडिल क्लास ने एबडिकेट कर दिया. अब जो लिटरेचर बनता है, जो एस्थेटिक्स बनती है, जो उसमें ब्यूटी पैदा होती है, वो तो हमेशा मिडिल क्लास ने किया है. अब जो बहुत ही पुअर क्लास से भी आर्टिस्ट पैदा हुए हैं ऐसा कोई नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि उनसे डिमांड करना अनफेयर होगा. जहां जिंदगी इतनी हार्श है कि सुबह 4 बजे एक आदमी को उठ के ठेला लेके जाना पड़ता है, और उसके बाद शाम के 10 बजे वो किसी तरह से एक वक्त की रोटी का पैसा कमा के वापस आता है, आप उससे कहें तुम नॉवल भी लिखा करो, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है और नहीं हो पाता है. ये मिडिल क्लास के पास थोड़ी ये प्रिविलेज होती है. और दुनिया में आप देखेंगे तो लिटरेचर बाय लार्ज ठीक है. कभी जब मिडिल क्लास ने ये लैंग्वेजेस ही छोड़ दी तो गई कहां. आज एनीबडी वर्थ हिज सोल्ड सेंड हिज और हर चाइल्ड टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल. तो जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है उसका बच्चा वर्नाकुलर स्कूल में जाता है. जहां जो जिंदगी है वहां एस्थेटिक्स को डेवलप करने की फैसिलिटी ही नहीं है और ना अपॉर्चुनिटी है. तो लैंग्वेज आपने हवाले कर दी है स्लम के, बजाय इसके कि आप स्लम को बेटर करते, उसकी जिंदगी को ऊपर लाते, आपने उसके पास छोड़ दी लैंग्वेज और कुछ नहीं दिया उसे.
वो लैंग्वेज भी स्लम में बाकी जैसी गलियां हैं, जैसी नालियां हैं, जैसी जमीन है, उसी तरह लैंग्वेज भी उसके साथ वैसी होगी। जैसे हालात होते हैं वैसी जबान बनती है। आज जब पोएट जाता है वहां पर मुशायरे में, तो जो सामने ऑडियंस है वो मिडिल क्लास की है ही नहीं, तो उसे इसे सुनानी है और उसका रोजी रोटी चल रही है। मुशायरा इज नॉट ओनली सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज इन सर्विंग लिटरेचर, बट एज अ मैटर ऑफ इट इज हिज मीन्स ऑफ लिविंग। तो वो तो वैसी पोएट्री लिखने लगता है जो कि इसे अपील करेगी। तो बजाय इसके कि आप लिसनर के एस्थेटिक्स को ऊपर लाते, आप खुद नीचे जा रहे हैं। ये इसकी इकोनॉमिक्स है, इसकी सोशियोलॉजी है, आप क्या कर सकते हैं। हम कहें कि नहीं भाई तुम ऐसी पोएट्री लिखो जो बहुत अच्छी है, तो कहे मेरी तो रोटी नहीं चलेगी। इसलिए रोटी नहीं चलेगी कि आज जिन लोगों को अच्छी पोएट्री पसंद आ सकती है वो तो इंग्लिश पढ़ते हो। ये रहा बायल्ला, हम लोगों ने अपनी लैंग्वेजेस को, और इसका जो हार्म है वो सिर्फ ये नहीं कि पोएट्री खराब हो गई, इसका हार्म ये है कि हम लोग कल्चर की बात करते हैं, हम ट्रेडिशन की बात करते हैं, ये सब कहां से आता है? हमारी सारी ट्रेडिशन, हमारा सारा कल्चर एक व्हीकल में चलता है जिसका नाम है लैंग्वेज। यू किल अ लैंग्वेज, यू किल हिस्ट्री, यू किल ट्रेडिशन, यू किल कल्चर, खत्म हो जाता है। यही हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद यहां नहीं हो रहा होगा, इसलिए कि इस मामले में मेरा ऐसा ख्याल है कि ये काम बंगाली ज्यादा सेंसिटिव है और उसे अपनी जबान की इज्जत है, लेकिन बाकी जगह तो अच्छा नहीं हो रहा। जैसा से उर्दू की अगर खास में बात करें तो इस पे ये अक्सर ताना कसा गया है कि वैसे जो भाषा की पैदाइश तो यहीं हुई, दिल्ली में ही हुई है, और जो है इसका जो अंग प्रत्यंग ये तो यहीं का, इसी देश का है, पर जो इसकी आत्मा है वो विदेशी है। इसकी लिपि फारसी है और कई सारे अरबी फारसी के जो शब्द है जो वो अनावश्यक तरीके से भरे हुए पड़े हैं, तो इस बात को आप मानेंगे? देखिए, ये ऑब्जेक्शन करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि आदमी को उर्दू के बारे में कुछ पता नहीं हो। जिसको जरा सा भी पता है वो कभी ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें उर्दू के बारे में नहीं पता। फैक्ट ये है कि एक तो लिपि से जबान नहीं होती है। पंजाबी है, पंजाबी तीन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी देवनागरी में लिखी जाती है, पंजाबी जो पर्शियन रस्मुल खत है जो जिसमें उर्दू लिखते हैं वो भी पंजाबी है, और देव गुरमुखी में लिखी जाती है वो तब भी पंजाबी रहती है। अगर लिपि से लैंग्वेज बाहर की हो जाती है तो फिर तो इंग्लिश इंग्लैंड की नहीं है, फ्रेंच भी इंग्लैंड की नहीं है, जर्मन भी इंग्लैंड की नहीं है, नहीं जर्मन को जा, हाँ जर्मन भी नहीं, रशियन ही एक्सेप्शन है। ये तो सारी रोमन स्क्रिप्ट है, तो फिर ये सब इटालियन हो गई, ये तो इंग्लैंड की, फ्रांस की रही नहीं, जर्मनी की रही नहीं। लिपि जो है, स्क्रिप्ट जो है, वो लैंग्वेज नहीं है। तो क्या वोकैबुलरी लैंग्वेज है? मैं तो अभी रिपीट कर रहा हूं, आज शाम को ही मैंने कहीं सुनाया था कि मैं अभी कुछ बोलता हूं और जो लोग आम हिंदुस्तानी समझते हैं वो बताएं कि वो समझे हैं कि नहीं समझे। सिंपल, कोई डिफिकल्ट जबान नहीं है। एक मकान के एक कमरे में एक आदमी और एक बच्चा बाल्टी से पानी लेके नहाए बैठे थे। बावर्ची ने आके नाश्ता दिया, नाश्ते में टोस्ट था और उड़द की दाल। नाश्ता करने के बाद आदमी ने चिक हटाई, सामने रखे संदूक में से बंदूक पिस्तौल निकाली, दीवार पे टंगी, बंदूक उतारी और जल्दी से बाहर चला गया। बच्चा बेबस देखता रहा। सबको समझ में आ गया? कोई डिफिकल्टी तो नहीं? लैंग्वेज डिफिकल्ट है? अच्छा, अब जरा इसे देखते हैं। मकान इज एन अरेबिक वर्ड, कमरा इज एन इटालियन वर्ड, आदमी अरेबिक अगेन, बच्चा पर्शियन,
उरद तमिल, तोस इज एक्चुअली इंग्लिश टोस्ट, चिक टर्किश, संदूक टर्किश, बंदूक टर्किश, पिस्तौल इंग्लिश पिस्टल, बाल्टी पुर्तगीज, बेबस इज संस्कृत विवश, इज मिसप्रोनंसिएशन ऑफ विवश. इन दीज फोर लाइन्स यू हैव स्पोकन सम 10 लैंग्वेजेस. टू से दैट उर्दू हैज टू मेनी वर्ड, विच लैंग्वेज डजन हैव वर्ड फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, एवरी लैंग्वेज. द फैक्ट इज दैट इफ यू टेक एन एवरेज हिंदी डिक्शनरी, एटलीस्ट 5,000 to 6,000 वर्ड्स हैव कम फ्रॉम पर्शियन. इफ यू टेक एन उर्दू डिक्शनरी, 75% वर्ड्स आर नाइदर फ्रॉम अरबी नॉट फ्रॉम उर्दू, दे आर इंडियन वर्ड. एंड वेन वी हैव टेकन, बिकॉज दे यूज टू बी आर नेबर्स, ईरान, ये तो बीच में अभी आ गया पाकिस्तान, वरना तो नेक्स्ट तो ईरान था ना हमारे साथ. अफगानिस्तान तो हिंदुस्तान का हिस्सा ही था भाई, वो मौर्य जमाने में भी और मुगल जमाने में भी. तो ये काबुल और कंधार ये सब हिंदुस्तान का हिस्सा थे. अफगानिस्तान वो तो बुद्धिस्ट कंट्री, बुद्धिस्ट एरिया, नॉट अ कंट्री. तो वो पड़ोस के वर्ड यहां आना कोई हैरत की बात ही नहीं है, नेक्स्ट डोर है. लेकिन उन वर्ड्स को हमने अपनी तरह यूज किया है. लाइक हवा, हवा इज अ पर्शियन वर्ड, लेकिन हवाएं ये हमारा है, हवाओं में है ये हमारा है. पर्शियन में कोई हवाएं नहीं होती, हवा है बस. उसका प्लूरल हमारे जो खड़ी बोली है उससे हमने किया है. अमीर अरबिक वर्ड है, लेकिन अमीरों और अमीरी ये हमारा है. अमीरों के यहां ऐसा होता है, अमीरों वहां नहीं है. तो उसका प्लूरल कैसे होता है? इवन प्रोनंसिएशन चेंज हो गए हैं वर्ड्स के, और उनको हमने अपनी तरह. अब लालटेन आप कहें, लालटेन अंग्रेजी से आया है, ये तो लैंटर्न है, लेकिन वो हमने उसको लालटेन बना लिया है, अब वो है हमारा ही है. अर्दली बोलते हैं जो चपरासी, अर्दली इज ऑर्डरली, पलटन प्लटून है, मगर उसे लेके हम अपना लेते हैं. इसमें हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए. एक तरफ एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी छपती है तो वो हमेशा बताते हैं कि इस साल हमने ये 50 वर्ड बढ़ाए हैं. हमारे मुल्क में लैंग्वेज की इज्जत तब होती है जब 50 वर्ड हर साल आप निकालें. तो ये जो कहना कि इसमें दूसरी लैंग्वेज, हाँ इसमें बहुत सारी लैंग्वेज, उर्दू में बहुत सारी लैंग्वेजेस के वर्ड है, और जो अच्छे वर्ड जहां से मिले उन्हें इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छी बात, इसमें खराबी क्या है? जब ये सब ऐसा क्यों है कि उर्दू का जो स्कॉलर है वो अभी के जितने मेन डिस्कोर्स है, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन की बात हो, डेवलपमेंट की बात है, उससे क्यों कटा वाला लगता है? देखिए, एक तो अब उर्दू का स्कॉलर ही ढूंढना बड़ा मुश्किल काम हो गया है. किस्सा क्या है कि कोई भी लैंग्वेज हो वो सर्वाइव करती है अपनी इकोनॉमिक यूटिलिटी से. लैंग्वेजेज आई एम अफ्रेड डोंट सर्वाइव इन द लिटरेचर. माँ बाप बच्चे को इसलिए अंग्रेजी नहीं पढ़ाते कि बेटा मिल्टन और शेक्सपियर पढ़ लेगा, ये तो रीजन नहीं होता ना. आप ये देखेंगे कि अब तो चाइनीज लैंग्वेज जो है वो अमेरिका में स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है. जब इकोनॉमिक यूटिलिटी बनती है तो पढ़ाई जाती है, और जब इकोनॉमिक यूटिलिटी नहीं होती है तो नहीं पढ़ाई जाती. हिंदुस्तान में उर्दू की इकोनॉमिक यूटिलिटी खत्म होती चली गई. जब खत्म होती चली गई तो उसे लोग नहीं पढ़ रहे, तो जो पढ़ रहे हैं वो लोग हैं जो कहीं और नहीं जा सकते, उनका ग्लोबलाइजेशन से वैसे ही वास्ता नहीं है. एक आदमी जो दिन में 50 रुपए 60 रुपए कमाता है ठेले पे, अब उससे कहें देखिए आप, बड़ी खराब बात है, आप ग्लोबलाइजेशन से बिल्कुल अवेयर नहीं है, वो क्या करेगा? जब लैंग्वेज उन लोगों की इस्तेमाल में आएगी या उनके पास रहेगी, हु आर स्टेक होल्डर इन द सोसाइटी, तो वो इन चीजों में एक पे लिखेंगे भी, इसके बारे में बात भी होगी, इस पर डिस्कशन भी होगा,
हुआ ये कि मार्जिनलाइज होती ही चली गई लैंग्वेज। मुझे मेरे पास कॉइन्स हैं 1942 का, 1946 का, जिसके ऊपर 1 रुपए का कॉइन है, उस पर अंग्रेजी में लिखा है इंडिया का कॉइन 1 रुपी, और उसके नीचे सिर्फ उर्दू में लिखा है 1 रुपया। ये हिंदुस्तान का कॉइन था। एंड लुक व्हाट हैपेंड, बिकॉज दिस लैंग्वेज हैज बीन सैक्रिफाइस एट द ऑल्टर ऑफ टू नेशन थियरी, एट द ऑल्टर ऑफ पार्टीशन। कि आज अगर आपको उर्दू आती है तो इट इज लाइक नोइंग सम डेड गॉन लैंग्वेज। और फैक्ट ये कि उर्दू है क्या ये भी नहीं जानते लोग। मैं जब बात कर रहा हूं तो आप कहेंगे ये हिंदी बोल रहा है, जब मेरी बात आपकी समझ में आना बंद होगी तब आप कहेंगे ये उर्दू है। कमाल की बात ये है, लुक एट द आयरनी, कि जो हमारी हिंदी फिल्में कह रहे हैं, जिसके सर्टिफिकेट पे लिखा होता है हिंदी लैंग्वेज ऑफ द फिल्म हिंदी, उसके 90% राइटर्स उर्दू राइटर्स। ये है उर्दू, उर्दू को कुछ भूत बना लिया गया है। और तरह तरह की बातें, मतलब इट्स सो सैड एंड डिप्रेसिंग। अखबार में मैंने कई बार ऐसा भी पढ़ा कि वो पुलिस ने एनकाउंटर किया और वो उनको जो टेररिस्ट थे उनको मार दिया, वही दे वर किल्ड, और उनकी कार में से कुछ वो आरडीएक्स निकला और एक मैप निकला और एक डायरी निकली जिसमें उन्होंने लिख लिया था कि किस किस का मर्डर करने आए हैं। वो लिख लेना चाहिए, वरना भूल सकता आदमी। तो हमेशा लिख लेते थे टेररिस्ट कि ये इन इनका मर्डर करना। तो और साथ में 3 उर्दू की किताबें भी थी, तो मतलब उर्दू की किताब और आरडीएक्स में कोई फर्क नहीं बचा। तो जहां यह हाल हो वहां कहें भैया लैंग्वेज में ग्लोबलाइजेशन पे बात हो रही है, क्या करें बेचारी लैंग्वेज की तो यह हालत हो गई। सर आपकी शायरी की बात करते हैं, आपकी जो किताब लावा वो काफी अरसे बाद प्रकाशित हुई, पहले तरकश जो काफी पहले हुई थी उसके बाद काफी अरसे बाद, और मैंने इन दिनों काफी पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पर एक जो डिस्टिलेट जो निकला जो मेरे जहन में, कि आप विचारों से ज्यादा शायद एहसासों के कवि है, जो टाइम और स्पेस के दायरे से शायद के इन्फ्लुएंस से थोड़ा बाहर, और जो मनुष्य की कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स को छूने वाले कवि है, तो ये इस तरह की रचनाशीलता, इसको आप अपनी ताकत मानेंगे या अपनी सीमा? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो आइडियल पोइट्री है उसमें दोनों गुण चाहिए जो पोइट्री ठीक आप करें। अगर आपकी पोइट्री में सिर्फ इमोशन है, फीलिंग है, तो वो लोगों को टच करेगी, थोड़ी देर तक करेगी और फिर खत्म हो जाएगी, जैसे कि सारे ही जज्बात जो है वो थोड़ी देर रहते हैं। अगर आपकी पोइट्री में थॉट है तो लोगों को रीजनेबल लग सकती है लेकिन उनके दिल को नहीं लगेगी। आपको लॉजिकल बात तो है, बात तो अच्छी कही है, और अगर इतनी ही लॉजिकल और रीजनेबल बात ही करनी है तो प्रोज में कीजिए, पोएट्री की क्या जरूरत है। एक्चुअली आई फील दैट व्हाट इज डिजायरेबल वेदर यू कैन अचीव इट और नॉट, एंड इट कांट बी डन आई थिंक ऑन अ वेरी कॉन्शियस लेवल, आइदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट, आइदर इट हैपेंस और इट डजंट हैपन, बट इट कांट बी प्लान्ड। The poetry should be felt thought, a thought that you have felt emotionally. It is not only cerebral, it is not only the logic that has appealed to you, magar ye baat aapke dil ko bhi lagi hai. Jab ye combination hoga to wo writing, wo poetry, wo fiction zyada der tak asar karega aur jiyega. अब ये मैं कितना अचीव कर पाया नहीं कर पाया, मेरी पोएट्री में क्वालिटी है नहीं है, दिस इज फॉर अदर्स टू डिसाइड, आई कांट डू दैट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ आप एक इमोशनल सी बात कर रहे हैं तो वो भी क्यों कर रहे हैं, पहले तो ठहरिए। अगर ये बात 10,000 बार 10,000 राइटर्स पोएट्स लिख चुके हैं तो आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं भाई? या तो आप ह्यूमन इमोशन में भी कोई ऐसा शेड, कोई ऐसा एंगल, कोई ऐसा पॉइंट देखिए
कि जो किसी ने वहां है मगर पॉइंट आउट नहीं किया किसी ने, तो हाँ ये कैप्चर कर लिया। ह्यूमन इमोशन भी ऐसे तो नहीं है ना मोटे मोटे, उनमें भी बड़ी बारीकियां, बड़े कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बड़े शेड्स हैं। या आपकी कोई थॉट है तो वो थॉट अगर आपने महसूस की है, आपने फील किया है थॉट को, तो उस पर पोएट्री कीजिए, वरना स्पीच दे दीजिएगा या आर्टिकल लिख दीजिए। दैट्स व्हाट आई मैंने जो ऐसा भी उर्दू के जितने भी दकाक शायर हुए अभी उन पे किसी ना किसी तरह का एक एक खास दर्शन का प्रभाव मुझे ऐसा लगता है। जैसे गालिब की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद सूफिज्म का ज्यादा प्रभाव है, इकबाल पे इस्लाम का था, और फिर दूसरी ओर मार्क्सवाद काफी साफ तौर पे छाया था। तो आपने अपने आप को कुछ साफ वैचारिक रुझानों से अपने आप को दूर रखने की जो एक सायास कोशिश की है, तो ये कुछ इसकी कोई खास वजह या इसी को आप अपनी विशेषता मानेंगे? देखिए, एक तो गालिब इज नॉट नोन फॉर एनी काइंड ऑफ सूफिज्म, लेट मी करेक्ट यू। गालिब को इतनी इज्जत जो है दुनिया में हर लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट किया गया है, बंगाली में भी ट्रांसलेट हुआ है गालिब, और बहुत वो किताब बड़ी पॉपुलर हुई थी, पता नहीं अब अवेलेबल है कि नहीं है। वो तो उसका तो कैनवस बहुत बड़ा है, मतलब उसने बड़ा मुश्किल है कि कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन की सिचुएशन हो या कोई भी फीलिंग का कोई शेड हो जिस पे आपको गालिब का शेर न मिल जाए, जबकि उसकी एक ही किताब है। लेकिन वो कमाल है कि इतना उसने सेलेक्ट करके और इतना सोच समझ के रखा है उस किताब को कि वो पॉसिबल नहीं है। तो उसमें एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सूफीज्म जो है एक तरह का जो स्पिरिचुअलिज्म जिसे आप कहें, आजकल तो गाने भी सूफी म्यूजिक एक चीज हो गई है, कोई भी गाना जिसमें चार बार मौला डाल दीजिए वो सूफी गाना हो जाता है। तो ये सूफीज्म क्या है पहले तो यही डिफाइन होना चाहिए, हर चीज को आजकल सूफी का सूफी डांस, अभी सूफी कथक भी शुरू हो रहा है। नो नो आई एम नॉट जोकिंग रियली, मैंने पढ़ा, मुझे कार्ड आया था कि सूफी कथक के लिए इन्वाइट किया था मुझे। तो ये जो है असल में मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम सिनिकल अबाउट इट, ये कुछ इस तरह का ये जो स्पिरिचुअलिज्म होता है, ये खैर अभी तो हमारी सोसाइटी में क्या है कि ये भी हुआ है कि लोगों को जो ये बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर, जो अपनी लैंग्वेज से बैरियर आया है, तो उसमें कल्चर भी दीवार के उधर रह गया ना, ये इधर आ गए। तो अब जब वॉल टू वॉल कारपेट ले लिया, एयर कंडीशनर ले लिए, बहुत अच्छी गाड़ी खरीद ली, सब कुछ हो गया, दुनिया भी घूम ली, तो अब सोचते थोड़ा कल्चर भी खरीदे, तो कल्चर नहीं है घर में, जरा कम पड़ रहा है। तो अब वो सूफीज्म एक कल्चर का हिस्सा है, तो अगर आपके घर में दो तीन सीडीज हैं सूफी सॉन्ग के, तो इसके मतलब आप यू आर एन इवॉल्व पर्सन, ये है। तो ये भी एक क्रैश कोर्स इन कल्चर। तो जहां तक सूफीज्म का ताल्लुक है, उसके पोएट्स रहे हैं, बुल्ले शाह पंजाबी में पोएट था, बहुत बड़ा बाबा फरीद ने लिखा है बहुत, लेकिन गालिब बाय एनी चांस इज नॉट अ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वॉज नॉट स्पिरिचुअल, ही वॉज टू से द लीस्ट वॉज एन एग्नोस्टिक इफ नॉट एन एथीस्ट, एक्चुअली ही वॉज एन एथीस्ट, मगर उसने कहा कि अभी कहां पूरा खुल के बोलू, निकल आता है इधर उधर से, लेकिन एक्चुअली तो वो तो बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट इस दुनिया से मोहब्बत करने वाला और दुनिया को देखने वाला आदमी था। तो इस तरह के एब्स्ट्रैक्शन जो थे, ये सब जो फॉग है उसके पीछे आपको जो नहीं भी है वो भी दिखाई दे रहा है, वो गालिब क्या नहीं है। मैं एक बात बहुत प्राइड के साथ उर्दू पोइट्री के बारे में कहूंगा कि आमतौर से दुनिया में जब पोइट्री किसी भी लैंग्वेज में शुरू हुई तो वो रिलीजियस पोइट्री, हिम्स हो या भजन हो या डेटीज की तारीफ में पोइट्री हो, और उसके बाद धीरे धीरे वो इट मूव्स इन अदर डायरेक्शन। उर्दू पोइट्री में ये नहीं हुआ, उर्दू पोइट्री फ्रॉम द वर्ड गो वॉज एग्नोस्टिक, एंटी फंडामेंटलिज्म एंड एथिस्टिक, ऑलमोस्ट एथिस्टिक एंड मेनी टाइम्स खुल के। ये जो गजल का एक फॉर्म है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म है,
पहले तो गजल पे ही ज्यादा जोर था, वो कसीदे जो एक तरह की पोएम होते हैं या मरसिया एक तरह की पोएम होता है वो भी थे, लेकिन जो मेन फोकस उर्दू पोइट्री का रहा है वो गजल पे रहा है फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टिल परहैप्स अर्ली 20th सेंचुरी, जब दूसरे इन्फ्लुएंसेस यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस भी हिंदुस्तान के लिटरेचर पे आए और ये हुआ, फिर पोएम पे की इम्पोर्टेंस और नज्म जिसे हम कहते हैं उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बाद में शुरू हुई। हालांकि 250 साल पहले नज़ीर जैसा पोएट था जिसने बहुत पोएम्स लिखी हैं और अजीब अजीब चीज़ों पे पोएम लिखी हैं, ही वॉज वन बेयर फुट पोएट ऑफ उर्दू जिसने मेलों के ऊपर, होली दिवाली पर, रीछ का तमाशा भालू के तमाशे पर, तरबूज पे, सुराही के बर्तन मिट्टी के बर्तनों पे इस तरह की पोएट्री की है। बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही वॉज नॉट टेकन सीरियसली, ये क्या शायरी कर रहा है, वो बहुत दिनों बाद डिस्कवर हुआ कि इट्स ग्रेट पोएट्री। तो ये जो शायरी थी ये गजल में जो थी, अब गजल का फॉर्म ये है कि उसकी हर दो लाइनें एक शेर होती हैं और हर शेर अपने अंदर कंप्लीट होता है। यू कैन शेर नंबर वन में आप यू कैन टॉक ऑफ वन टॉपिक, शेर नंबर टू में आप कुछ और भी कहिए, तीसरे शेर में कुछ और कहिए, वो उनका कनेक्शन आपस में हो कोई जरूरी नहीं है, बल्कि आमतौर से नहीं होता है। अब अगर बात आपको दो लाइन में कहनी है तो वही वो जो 140 का प्रॉब्लम है ना ट्विटर में, तो वही प्रॉब्लम गजल में भी होता है कि आपको दो लाइन में पूरी बात कहनी है, तो व्हाट यू डू दैट यू डेवलप सिंबल्स। जब पूरी बात डिटेल में नहीं कर सकते हो तो सिंबल्स आप जब डेवलप करते हो तो आपने इशारा दिया तो दूसरा समझ गया हाँ भाई क्या मतलब है। अब गजल में जो सिंबल डेवलप हुए बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक है मैखाना जिसका ट्रांसलेशन तो है टेवन, एक है रिंद जिसका ट्रांसलेशन डिक्शनरी में है अ ड्रंकर्ड शराब पीने वाला, एक है हरम जिसका ट्रांसलेशन है मस्जिद, देर जिसका ट्रांसलेशन है मंदिर, एक है शेख जो कि रिलीजियस आदमी है, एक है जाहिद जो कि प्योरिटन है, एक है मोहतसिब हु इज मॉरल पुलिस, एक है नासे हु इज द मॉरलिस्ट हु गिव्स यू एडवाइस मॉरल एडवाइजेस सो ऑन। These all these people, Sheikh and Zahid and Mullah, these are the villains of Urdu poetry. Haram is an undesirable place, while tavern is the desirable place. Maikhana is the symbol of free thinking. Rind is a symbol of a man who is not conditioned by tradition. While Sheikh is the traditionalist and he is the villain of Urdu Ghazal. So all those fundamentalist, regressive, traditionalist characters are the villains. Sharab khana achhi jagah hai. Now, by sharab you don't mean sharab. Uske baad jo B grade, C grade poet hai, jo jinke aapko CD mil jate hain, wo उनके यहां शराब शराब ही है, लेकिन बड़े शायर के यहां शराब शराब नहीं है, शराब खाना नहीं है, मैं जो है जैसे शराब है। अब मतलब मैं एक मैं मिसाल के तौर पर शेर सुनाता हूं, जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, जिन्हें प्यास कम उन्हें दम बदम, एवरी मोमेंट आप दे रहे हैं, जिन्हें प्यास कम है और जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, निजाम मीन सिस्टम, जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, जिन्हें प्यास कम उन्हें दम बदम, मेरे साकिया तेरे मैकदे का निजाम है कि मजाक। आर वी टॉकिंग ऑफ अ टैवर्न एन अल्कोहल और आर वी टॉकिंग ऑफ एन अनफेयर इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये जो है आप जब इस अंडरस्टैंडिंग को इन सिंबल्स को समझ के आप उर्दू पोएट्री पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि वो क्या कह रही है और क्या क्या लिखा जा रहा है। तो ये जो मेरा प्राइड ये है कि
लिबरल थिंकिंग, डिजायर फॉर सोशल जस्टिस, स्टैंडिंग अप फॉर द वल्नरेबल, ये उर्दू पोएट्री में सिर्फ प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के साथ नहीं आया, ये हमेशा से इसकी ट्रेडिशन रही है। 250 साल पहले पैदा हुआ था मीर, 250 साल, 300 साल पहले की कशेर सुनाता हूं उसका, मैं वो सुनाऊंगा आपको जो सिंपल लैंग्वेज में है। अमीर जादों से दिल्ली की मत मिलाकर मीर, अमीर जादे अमीरों के बेटे, अमीर जादों से दिल्ली की मत मिलाकर मीर, कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं के कारण से। अब ये शेर 300 साल पुराना है। ये जो क्लास कॉन्शियसनेस थी, ये जो, या यही मीर का शेर है, निजात मोक्ष को कहते हैं और जन्नत जहन्नुम हेल हेवन जो भी, और जो निजात, अच्छा मुसलमान तो निजात पाता है ना, जैसे अच्छे हिंदू मोक्ष पाते हैं, और अच्छे लोग दोनों नहीं पाते। तो जाए है जी निजात के गम में, कि मेरा दिल तो क्या, दिल जो है हमेशा इसी में निजात के गम में परेशान रहता है। जाए है जी निजात के गम में, ऐसी जन्नत गई जहन्नुम में। क्या क्या बातें कही इन लोगों ने, यह कब की पोएट्री बता रहा हूं मैं आप। तो जो सेकुलर वैल्यूज उर्दू पोएट्री की है, या आपको एक बार बताऊं कि दिवाली पे, होली पे, जन्माष्टमी पे, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, जैसी पोएट्री आपको उर्दू शायरों की मिलेगी, और 150 साल, 200 साल, 250 साल पुरानी, तो हिंदुस्तान की किसी लैंग्वेज में मिल सकती। तो ये इस लैंग्वेज का कमाल ये है कि जो लैंग्वेज इतनी डायनेमिक और इतनी सेकुलर, चाहे वो इनकलाब जिंदाबाद हो, ये उर्दू का नारा है भाई। मुझसे तो किसी ने पूछा था, एक बात बताइए, उर्दू में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा कोई गीत है? मैंने, भाई यही उर्दू का ही है। तो ये चक्कर है, इसलिए इस पे तरह के, मैं तो इसके साथ, बिचारी के साथ जो हुआ बड़ा बुरा हुआ। बात क्या है कि जो ट्यूनेशन थ्योरी जिसने बंगाल को भी बंटवा दिया और पंजाब को भी बंटवा दिया, ये तो थ्योरी ही झूठ थी, और ये थ्योरी उस दिन 1971 में पूरी तरह झूठ साबित हो गई। अब क्या है कि जमीनें तो बांट लेते हो, हिस्ट्री के भी जो वर्जन बना लो, एक लैंग्वेज जो जिंदा सबूत है कि टू नेशन थ्योरी गलत है, उसका क्या करोगे? अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि ऐसा करो भाई, वर्ब पाकिस्तान ले ले और नाउंस इंडिया ले ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो लैंग्वेज को टोपी पहना दी गई, वो लैंग्वेज जो सारी जिंदगी इन टोपी वालों के खिलाफ थी, उसको उधर धकेल दिया गया, जिसके सारे बड़े पोएट जो है वो प्रोग्रेसिव और लिबरल और नेशनलिस्ट पोएट। ये इस लैंग्वेज के साथ आती हुई, अब क्या करेंगे आप। मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूं कि भाई देखो, पाकिस्तान कश्मीर को भी क्लेम करता है और उर्दू को भी, फैक्ट यह है कि दोनों क्लेम गलत हैं। उर्दू हिंदुस्तान की जबान है, और इतनी गहरी इसकी जो हिस्ट्री है, आप ये हिंदुस्तान का जो फ्रीडम मूवमेंट है, उस पर आप कोई भी पॉइंट होगा, उस पर आपको जैसी उर्दू पोएट्री मिलेगी उसका जवाब ही नहीं है। हिंदुस्तान की जितने डेटीज हैं, हिंदुस्तान की जो ट्रेडिशंस है, जो त्यौहार है, जैसी लैंग्वेज मिलेगी, जो पोएट्री मिलेगी, वो कहीं आपको मिल ही नहीं सकती। उसके बाद भी ये जो है लैंग्वेज का हाल ये हुआ है कि इसे कहा जाता है मुसलमानों की जबान। ये बांग्लादेश के 10 करोड़ मुसलमान जो थे उनकी जबान थी, ये जो मलयालम इतना बड़ा बशीर राइटर था वो उसकी जबान थी। जबान कैसे हो सकती है किसी मजहब की? जबान रिलीजन की नहीं होती। लैंग्वेजेस बिलोंग टू द रीजन्स, नॉट टू रिलीजन्स। फ्रेंच इज फ्रॉम फ्रांस, और जर्मन फ्रॉम जर्मनी, और इंग्लिश फ्रॉम इंग्लैंड। पंजाबी पंजाब में बोली जाती है, बंगाली बंगाल में बोली जाती है। कोई लैंग्वेज कैसे हो सकती है किसी मजहब की?
वो तो रीजन्स की होती है। ये एक झूठ बोला गया था, नॉर्थ इंडिया की जबान थी, उसे उखाड़ के उन इलाकों पे डाल दिया गया जहां की जबान ही नहीं थी। अब बेचारा सिंधी वहां जबरदस्ती उर्दू पढ़ रहा है, इतने बांग्लादेशी जो थे बंगाली उनको उर्दू पढ़ाई जा रही थी, उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया और उसके खिलाफ जंग की, बिल्कुल सही किया, उनकी जबान बंगला है वो बंगला पढ़ेंगे, भाई आप उन्हें क्यों पढ़ा रहे उर्दू। लेकिन जिनकी जबान उर्दू थी उनसे ले ली गई और उन्हें दे दी गई जिनकी है नहीं, तो दोनों ही गलतियां की गई। अब बताइए लखनऊ में, दिल्ली में, आज जहां की जबान थी वहां पर लोग जानते ही नहीं जबान, तो खत्म हो रही है। मगर वो है क्योंकि इस पीपल्स लैंग्वेज, तो बावजूद इसके कि उसकी स्क्रिप्ट खत्म हो गई, पढ़ाई नहीं जाती, मगर बोलचाल में तो वही रहेगी, वही चलेगी। और आप भले किसी भी स्क्रिप्ट में लिख ले, लेकिन अगर टीवी पे सक्सेसफुल डायलॉग लिखना है तो उसमें उर्दू तो यूज करनी पड़ेगी आप। जैसा आपने इतनी साफ गोई से जो आज उर्दू साहित्य के बारे में जो अपने विचार रखे, मैं मानना है कि इसे उर्दू साहित्य के नए आयामों पर बहुत सारी रोशनी पड़ेगी। पर चूंकि वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन एंड मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिससे कोई भी शायर अछूता नहीं रहा है, और आप, मैं चाहती हूँ चूंकि शबाना जी यहाँ पे हैं तो आप अपने कलेक्शन में से जो उनके नाम पे जो आपने कलाम लिखा था वो पढ़ के जरूर सुनाए हैं। मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले चाहता हूँ कि आप में से अगर कोई भी कोई सवाल करना चाहता है उसके बाद हम सवाल लेंगे, उसके बाद सवाल लेंगे। नहीं ये पहले कर। अच्छा ठीक है, चलिए प्रोज खत्म हो जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए। कैन वी जस्ट हैव द माइक्रोफोन? अब इन रोमांटिक उर्दू पोएट्री देर आर स्ट्रेन्स ऑफ होमोएरोटिसिज्म, and if yes, should it not be celebrated? You know, homosexual love, like you have a mehboob instead of mehbooba. No? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये जो है बहुत जमाने तक जो महबूब है उसे फीमेल जेंडर से नहीं, हालांकि वो फीमेल जेंडर ही होगा बहुत हद तक, कभी कभी नहीं भी होगा, इसलिए कि ऐसे भी शेर है उर्दू पोएट्री में जो क्लियरली मैन राइटिंग अबाउट अ मैन, उसमें कोई झंझट नहीं है, साफ बात है, पता चल जाता है। लेकिन अक्सर ये जो है इवन फॉर द वुमन वो मेल जेंडर यूज करते थे, उसका क्या रीजन है मुझे समझ नहीं आया बहुत जमाने तक, लेकिन परहैप्स अराउंड 30s और 20s अख्तर शिरानी नाम का एक पोएट था जिसने ये ट्रेडिशन को तोड़ा और उसने महबूबा को महबूबा ही कहा और उसने वो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो एक लड़की पे शायरी कर रहा है और उस जेंडर को भी क्लियरली डिफाइन किया। तो ये एक तहजीब थी, क्या वजह था कि वो बहुत अजीब लगता था। मुझे एक उर्दू की बहुत अच्छी शायर है जोहरा निगाह, अब तो शी मस्ट बी इन हर लेट 70s और अर्ली 80s, शी सेड व्हेन इन माय 20s आई स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री तो मेरी जो नानी थी वो थोड़ी सी टेंस हो गई कि मेरी ये ग्रैंड डॉटर जो है वो पोएट्री लिखने लगी है, तो कहने लगी कि देखो बेटा अच्छा तुम लिख ही रही हो पोएट्री तो उसमें तुम मैं जा रही हूं ऐसा मत लिखना, कभी हम जा रहे हैं लिखना, तो मतलब तुम अपना जेंडर मत एक्सपोज करना। तो ये कुछ एक था, उसके पीछे चलिए तो आपको यूरोप में मिलता है कि औरतें मर्दों के नाम से लिखती थी, फेमस पीस ऑफ लिटरेचर हैं ऐसे कि जो एक्चुअली औरतों के लिखे हुए हैं, मैं उन्होंने अपना नाम जो है वो मेल रख लिया था। तो कहीं मेरे ख्याल से नॉट ओनली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बल्कि दूसरी जगह, यहां शायद थोड़ा ज्यादा होगा, कि वो कहना कि ये मैं एक लड़की के बारे में कह रहा हूं, ये मे बी दैट टाइम इट वॉज फेल्ट दैट परहैप्स इज टू शॉकिंग और टू इंडीसेंट,
ये वजह शायद यही मेरी समझ में आती है, लेकिन ये भी सही है जो आप कह रही हैं कि बहुत से ऐसे शेर हैं जो 100% मर्द पे ही लिखे गए। तो ये होमोसेक्चुअलिटी की ट्रेडिशन जो है, अगर उसे भी आप ट्रेस करें तो वो उर्दू पोएट्री में मौजूद है, कोई शक नहीं। और कोई सवाल? जावेद सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि आज की सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि विचारों का आदान प्रदान बहुत आसान हो गया है, तो ऐसे कई नए कवि आ रहे हैं जो अपने विचारों को या अपनी कविताओं को या अपने गुस्से को आसानी से उस पर व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी अंदाज में कई कवि भी आ रहे हैं जो कविताएं लिखते हैं, अच्छी होती हैं उनकी कई मायनों में, लेकिन वही होता है कि शाम को लिखकर बैठे और सुबह देखा फेसबुक पे तो कोई लाइक ही नहीं था या अंगूठे ही नहीं थे दो चार, तो उसको एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला। तो आपको क्या लगता है कि इस अंदाज में क्या कहीं पोएट्री को कोई गिरना या उठने का लहजा प्राप्त हो रहा है या कुछ हो रहा है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो यंगर जनरेशन है, नो थैंक्स टू अस, हमने तो उन्हें वो कल्चर और वो जो हमारा कल्चरल हेरिटेज था दिया नहीं, ये हमारी गलती है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ अस, उनमें पोएट्री में आज इंटरेस्ट दिखाई देता है। मैं जाता रहता हूँ कॉलेजेस में, यंग सर्कल्स में बुलाते भी हैं, तो वहां मैं देखता हूँ बहुत से लोग लिखते हैं, वो अपनी पोएट्री भी मुझे देते हैं पढ़ने को या सुनाते हैं। तो पैशन भी है, कुछ आइडियाज भी हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन क्राफ्ट नहीं है। अब वो क्राफ्ट पे कंट्रोल नहीं है, लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए कि लैंग्वेज उन्होंने ठीक से पढ़ी नहीं है। तो जब तक आपके पास यू डोंट हैव इनफ वोकैबुलरी, इफ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ कंट्रोल ऑन डिक्शन कि आप जैसे चाहें लिख सकें, आपको मालूम है कि ये वर्ड्स आपकी मीनिंग को सही कन्वे करें। वर्ड्स आर नॉट थॉट्स, बट वर्ड्स आर द ब्रेक दैट मेक थॉट्स। अगर आपके पास वर्ड्स कम हो जाएंगे तो आपकी थॉट की क्लियरिटी चली जाएगी और आप क्लियरली सोच, अल्टीमेटली यू थिंक इन वर्ड्स। तो आपके पास वर्ड्स तो बहुत होने चाहिए, वरना आपकी थिंकिंग कैसे क्लियर होगी, वो भी वेग हो जाएगी लिमिटेड वर्ड्स में। तो वो प्रॉब्लम हो गया है। और जो क्राफ्ट है, जो मीटरिंग है, जो रिदम ऑफ लैंग्वेज है, जो फोनेटिक्स का क्या इफेक्ट होता है, एक लाइन में वर्ड्स कौन सी साउंड हैं, वो कैसे लाइन को बैलेंस में रखेंगी, एक तरफ वेटेज आ जाए स्ट्रॉन्ग साउंड हो, दूसरी तरफ सिर्फ वो जो सांस की साउंड है, हुआ है नहीं है ऐसे साउंड हो, तो लाइन टेढ़ी साउंड करेगी। ये एवरीबडी इज नॉट सपोज टू अंडरस्टैंड और डू दिस काइंड ऑफ रिसर्च, बट पीपल हु आर राइटिंग, पीपल हु आर इन दिस वोकेशन हैव टू अंडरस्टैंड दिस सटलिटी। देन इन साइकियाट्री इट इज बिलीव दैट एनी वर्ड मेक्स एटलीस्ट 50 रेफरेंसेस इन एन एवरेज माइंड। Now, as a writer, you should have some idea that this word, whatever it may mean in the dictionary, what kind of references it will evoke on subconscious level. So, aap reader ke ya listener ke mind mein gradually ek atmosphere apne word se create karenge, jisme aapki thought jo hai wo zyada khoobsurat lagegi. Wo atmosphere chahiye. Wo atmosphere dictionary mein nahi milta. वो वर्ड्स की ट्रेडिशन में मिलता है। वर्ड्स ऑल्सो नोन बाय द कंपनी दे हैव केप्ट, ये कैसे इस्तेमाल हुआ है वर्ड, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। जब ये सब सीखना, हमें लिखने का शौक होता है, पढ़ने का होना चाहिए पहले। मैं यही दोस्तों को या अपने यंग दोस्तों को मशवरा देता हूं कि जितना हो सके पढ़ो पोएट्री और उसे याद करो। जबानी तुम्हें याद होनी चाहिए, जबानी याद होने से आप उसके रिदम को समझते हैं। आपने पढ़ लिया वो काफी नहीं, When you have part of it, तो आप जब उसे पढ़ते हैं तो उसका क्या inherent music क्या है वो आपको जब मालूम होगा, then you will be able to create music in words. हम एक आखिरी सवाल लेंगे। हेलो, आई हैव गॉट अ क्वेश्चन। आर देयर टू माइक्रोफोन्स अराउंड? या यू गो अहेड। नमस्ते अंकल, you spoke a little bit about directing and I was just wondering what discipline would a young aspiring director need? Well, now you have so many opportunities, there are
there is a film institute in Pune, or you can go out and there all over the world they have institutions that train you, but ultimately they can only teach you the grammar. After that it is your own capability, your own talent, your own vision, your own fantasy, your own capability that will decide what kind of film you can make and how good that film will be. But as far as learning the basic grammar, there are so many institutions now in India and outside India. Hey, sir, ab wo poem pad denge aap? Shabana. Okay, we can take another question. So we'll take Hello. One last question. I've got two questions to ask. Poem bahut pasand hai. Ye shaam se mujhse usi poem ki baat kar rahi hai. I've got two questions to ask. Ask the second question first. Okay, the second question was, can you talk about the influence of arts, art forms, the later art forms like surrealism and futurism in poetry, in Urdu poetry? And my first question was that the way you were talking about poetry, like the use of symbolism and the same poetry in films, I feel, is missing in Hindi cinema. So can you just elaborate on this thing? Because देखिए आपका जो there are two questions of course. पहला question आपका ये है कि जो सीरियल कौन कौन से इज्म आपने शुरू में बोले थे? हाँ, सरियलिज्म है या एब्स्ट्रैक्शन है, ये इट हैज कम जो आफ्टर से अराउंड 60s इसका इन्फ्लुएंस उर्दू पोएट्री में आया था. और होता क्या है कि एवरी मोमेंट अल्टीमेटली बिकम्स इट्स ओन कार्टून, एवरी आइकॉन ऑल्सो बिकम्स इट्स ओन कार्टून अल्टीमेटली. तो ये जो था वो एक हद तक लोगों ने शुरू किया, नए तरीके से लिखा, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की, एब्स्ट्रैक्शन उसमें आ गया, लेकिन एक हद तक वो इस हद तक पहुंच गया कि उसमें कम्युनिकेशन ही खत्म हो गया. एक रिवोल्ट तो यहां तक हो गया कि क्यों साहब मीनिंगफुल वर्ड्स ही क्यों होने चाहिए, ये क्या कंडीशनिंग है? इस तरह की भी पोएट्री लिखी गई है, मैं आपको वो भी सुनाऊं तो आप कुछ जिसके कोई मीनिंग ही नहीं है. चमक चमकार ने शबशीर ने के मजे मोहकम मलफ इंजीर ने के, इट हैज नो मीनिंग. तो यहां तक हुआ, ये एब्स्ट्रैक्शन यहां तक आ गया. अजीब अजीब तरह की पोएट्री लिखी गई, कुत्ते पर खरगोश आया तब जाके अहमदाबाद बना, ये शेर एक शायर का था. कि तो अजीब अजीब तरह की पोएट्री के अंदर से नया होके अंदर से नया होके निकलता हुआ जैसे साये से जुदा होके वो दालान में, इस तरह के पता नहीं कितनी पोएट्री होती थी. इसमें कुछ अच्छी भी हुई लेकिन कुछ अजीब अजीब तरह की भी हुई. एक मेरे दोस्त है सूर्यभान गुप्त, वो उर्दू शायरी करता है. वो अब इतना उसका नाम आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत से टैलेंटेड लोगों का नाम नहीं होता है. वो वैसे भी शायर और रेटिसेंट आदमी है, ही इज एन एक्सेप्शनल पोएट. अब उसकी लैंग्वेज देखिए, ये ट्रेडिशनल पोएट्स की नहीं थी, मगर उसने कैसे कैसे शेर लिखे हैं कि जिंदगी हम अजीबों की मजबूर है और मजबूर है सालहा साल से, जैसे कश्मीर फूलों का महका चमन एक नासूर है सालहा साल से. हाथ में बोझ जहन से सांप लिपटे हैं बारूद के, हाथ में बोझ है एक बंदूक का, अमन की बांसुरी की सदा से बहुत आदमी दूर है सालहा साल से. क्या बात है, क्या इसका. तो ऐसी थी उसने. अब ये बिल्कुल लेकिन नया था, हालांकि इसका डिक्शन भी नया है. अब मार्का कहते हैं एक्सपीडिशन, कि किसी जैसे वो जंग पे या कहीं गया है कुछ पे. तेग का मतलब है तलवार, और थान वो होता है ना जहां घोड़ा बांधते हैं, उस जगह को थान कहते हैं. फिर किसी मार्के पे आज शायद गया ना हो जफर, अब ये मॉडर्न पोएट था. फिर किसी मार्के पे आज
शायद गया ना हो जफर, तेग नहीं है ताक में, घोड़ा नहीं है थान पर। तो ये एक नई लैंग्वेज भी आई थी, नया एक्सप्रेशन भी आया था, उसमें वो शमा परवाने नहीं है, उसमें वो गुल बुलबुल नहीं है, वो महबूब की गली नहीं है, ये बड़ी जमीन नए शहर के जो प्रॉब्लम है उनके था, ये सर्द रात, ये आवारगी, सर्द रात ठंडी रात, ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर चले जाते। अब ये जो अर्बनाइजेशन जो छोटे शहर से आया है बड़ा आदमी बड़े शहर में, ये उसी शायर का शेर हो सकता है। ये 100 साल पहले उस शायर वो लिख नहीं सकता था, जो जिस घर में पैदा हुआ उसी में मरता था वो, तो उस जमाने में इतनी मोबिलिटी नहीं थी पॉपुलेशन में, तो ये शेर ही कोई नहीं लिखेगा। ये शेर 100 साल पहले का पोइट लिख ही नहीं सकता था कि हम अपने शहर में होते तो घर चले जाते, वो तो अपने ही शहर में रहता था। तो जो समय चेंज हुआ उससे लैंग्वेज भी चेंज हुई, मेटाफर भी चेंज हुआ, एक्सपेरिमेंट भी तरह तरह के हुए, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट फॉर एक्सपेरिमेंट सेक हो जाते हैं। ये पेंटिंग में भी यही हुआ है और यही पोएट्री में भी हुआ, लेकिन सर्वाइव फिर वही करता है जो अल्टीमेटली किसी लेवल पे कम्युनिकेट कर रहा है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप ग्राफिक ही हों, लेकिन कोई तो एक सिंबल कॉमन होना चाहिए बिटवीन द व्यूअर और द लिसनर एंड द आर्टिस्ट, वो जरूरी है। किसकी? नसरी शायरी की अंग्रेजी बता दूं क्या है, जिसे आप लोग प्रोस पोएट्री एक चीज होती है। ये ऐसा ही है जैसे गर्म बर्फ, जैसे ठंडी आग, जैसे जिंदा मुर्दा। भाई तय कर लो क्या हो, प्रोज हो के पोएट्री हो, ये एक फ्रॉड चल रहा है। मुझे तो बिल्कुल फ्रॉड लगता है, कुछ भी लिख दिया ओके साहब ये प्रोज पोएम है, तो प्रोज है कहो, प्रोज के क्या शर्मिंदगी है क्या, कहो इट्स गुड प्रोज, उसमें क्या प्रॉब्लम है। एक आखिरी सवाल जाएगा, दिस इज एन ऑब्विट क्वेश्चन, हियर इन दिस बुक देयर इज something written real writing, and you are the best of friends Salim and Javed. In print media, some in paper I have read that it's very unpredictable, anything can happen. अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना, उर्दू जबान की जब बात करते हैं खासकर हिंदुस्तान में तो हमेशा शायरी की बात करते हैं, पोएट्री की बात करते हैं, नसर की बात नहीं करते, बहुत कम आती है, इसकी आपके इसकी वजह क्या है? और दूसरी दूसरा भी पार्ट है, और दूसरा ये जबान के लिए अच्छी बात है या खराब है, या लैंग्वेज के लिए अच्छी है? देखिए वजह क्या है कि हुआ ये है कि उर्दू का एक कमाल है, ये भी एक अजीब ये एक फिनोमेनन है, उर्दू पढ़ने वाले दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और उर्दू सुनने वाले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। यह आपने किसी लैंग्वेज के साथ नहीं हुआ होगा। तो होता क्या है कि उन तक पहुंचती सिर्फ पोएट्री है, उन्हें मालूम ही नहीं कि कृष्णचंद्र ने क्या लिखा है, उन्हें मालूम ही नहीं है, उन्होंने शायद नाम भी ना सुना हो, इसमें चुगताई ने क्या लिखा, व्हाट अ ग्रेट राइटर कृष्णचंद्र और मिंटो और इस्मत। वह अब ये जो बात करते हैं, इस्मत ने जो 40s में शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं वो यूरोप में कोई लिखने की हिम्मत नहीं कर सकता था, ऐसी कहानियां लिखी हैं उर्दू में, लेकिन वो तो वही जानेगा ना जो उर्दू लिटरेचर पढ़ा हुआ हो। ये जो उर्दू की बात करने वाले लोग हैं वो उर्दू सुन के बात करते हैं, उन्होंने सुनी है। तो अब भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, अब कहीं इसके तो पोएट्री तो लोग गा भी देते हैं, पोएट्री सुना भी देते हैं, अब पूरे नॉवल में किसे सुनाऊं? और अब आग का दरिया एक उर्दू में नॉवल है जो कुरतुल हैदर ने लिखा है, और शी वॉज ज्ञानपीठ अवार्ड भी उनको, दुनिया में कोई इज्जत नहीं थी जो नहीं मिली हो। आग का दरिया इज अ नॉवल इन उर्दू विच इज आई एम सेइंग विदाउट एग्जेजरेशन विच शुड बी कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवल एवर रिटन ऑन दिस प्लैनेट। That novel starts from Gupta period and ends after the partition of India with characters. And that novel, every chapter as it is taking leap from
फ्रॉम वन ईरा टू अनदर ईरा, तो उसमें सिर्फ कैरेक्टर नहीं है, कहानी नहीं है, बल्कि उस समय का पूरा कल्चर, ट्रेडिशन, वहां की म्यूजिक, वहां आर्ट, वहां का पूरा रहन सहन आपकी समझ में आएगा कि क्या था उस वक्त, किस जगह का नाम क्या था, उस वक्त क्या बात होती थी। उसमें एक डिस्कशन है एक हिंदू सियर और एक बौद्ध भिक्षु में, वो डिस्कशन क्या है आपस में, वहां से एक एक एरा में विंटर सेंटर इंडिया, तो उससे उनका क्या इंटरेक्शन और कैरेक्टर्स के थ्रू हो रही है वो सारी बातें, और वो क्या चेंज कल्चर, आपको कल्चर के डिफरेंट शेड्स देख रहे हैं। इट्स अ ग्रेट, इट्स एन एपिक, लोगों को मालूम ही नहीं। हिंदुस्तान के पार्टीशन पे जिस तरह का लिटरेचर उर्दू में लिखा गया है, आप कृष्णचंद्र की नॉवल पढ़िए गद्दार, आप रामानंद सागर की और इंसान मर गया, आप मिंटो की कहानियां पार्टीशन पे पढ़िए, आप इस्मत की कहानियां पढ़िए, क्या लिटरेचर इतना लिखा गया है उस पर, और उसका जो दर्द है, उसका जो इनह्यूमन एस्पेक्ट है, उसका जो बर्बरिज्म हुआ है, उस पर कैसी कैसी कहानियां लिखी गई, कैसे कैसे नॉवल लिखे गए, वो लोगों को नहीं मालूम है। अब वो तो शायरी वो सुन लेते हैं, और वो भी वो वाली जो हारमोनियम से निकलती है, तो उसी के जरिए वो जानते हैं। और उनका एक अब क्या हो गया है कि उर्दू हैज स्टार्टेड बिलोंगिंग टू सम काइंड ऑफ अ कल्चरल म्यूजियम। तो मुझे एक दिल्ली में एक खातून मिली थी, कहने जी मैं तो पढ़ नहीं सकती, मैं मुझे बहुत, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ उर्दू, क्या क्या वर्ड्स हैं उर्दू में, एहसास महसूस, एहसास महसूस। तो अब, मतलब क्या कहें अब, मैं जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शी वॉज एंजॉइंग इट, एहसास महसूस, एहसास महसूस। नमस्ते जावेद साहब, एक क्वेश्चन है वो आई वॉन्ट टू आस्क, रियली आई कांट स्टे विदाउट आस्किंग बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू वट एवर यू हैव सेड। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट रीडिंग एंड नॉट रीडिंग उर्दू, बट लिसनिंग सुन, इस वक्त तो यूट्यूब मौजूद है, प्रीवियस जनरेशन के पास यूट्यूब नहीं थे, तो जो 70s, 60s, 50s के बहुत बेहतरीन हिंदी गाने हैं जिनमें बहुत अच्छी उर्दू पोएट्री के इस्तेमाल की हुई गई है, वो तो इस जनरेशन के पास बहुत ज्यादा मौजूद है जो कि पहले जनरेशन के पास नहीं थे। फिर भी हम देख रहे हैं कि पॉपुलर हिंदी फिल्म म्यूजिक की जो लिरिक्स है वो उतनी अच्छी नहीं है पहले की तरह, ये क्या हमारी उम्र बढ़ती जा रही है इसलिए हमें लगता है या और कोई वजह है, क्योंकि सुनने की तो कोई स्कैसिटी नहीं है, हम पढ़ नहीं सकते मगर हम तो बहुत ज्यादा ही सुनते हैं, ये क्वेश्चन थी मेरी। आपका सवाल बिल्कुल सही है, वाजिब है, और आप यू आर अ वेरी काइंड पर्सन, जब आपने कहा कि उतने अच्छे नहीं होते हैं आजकल के गाने, दैट वॉज द अंडरस्टेटमेंट ऑफ द ईयर। एक तो उनको गाना ही कहना जो है एग्जैजरेशन होगा जो है, प्रॉब्लम यह है, मुझे इतना भी ऑडियंस से या लिसनर से भी शिकायत नहीं है, शिकायत यह है कि जो लोग बीच में हैं ऑडियंस के और सॉन्ग राइटर के, जो मार्केटिंग की दुनिया है आजकल जो है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे को, अल्टीमेटली मार्केटिंग ने उसे टेक ओवर कर लिया है, जो सारा कम्युनिकेशन है उसका डिसीजन मार्केटिंग डिपार्टमेंट लेता है। आज आपको जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके एडिटर इन चीफ के नाम भी नहीं मालूम होंगे, क्या वजह है, कभी तो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे एडिटर, इसी तरह से सॉन्ग राइटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। आजकल यह है कि जो मार्केटिंग वाला है वो बताता, देखिए जी क्या है कि रिंगटोन में तो ऐसे ही गाना चलेगा, वो असली इनकम रिंगटोन से है, तो गाना फिल्म के लिए, लिटरेचर के लिए, लैंग्वेज के लिए, आपके लिए बन ही नहीं रहा, वो रिंगटोन के लिए बन रहा है। जहां ये हालत इतनी ग्रोस क्रैस कमर्शियलिज्म हो और मार्केट में अवेलेबिलिटी हो, पहले ऐसा नहीं सेल्स थे मगर अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी इतनी ग्रोस कमर्शियलिज्म की, तो एक डिसेंसी बाकी थी। अब जो है मौका मिल गया है कि लोएस्ट ऑफ लो जो कॉमन डिनोमिनेटर हो वहां चले जाओ, और वो लोएस्ट लो जो है वो नीचे चलते ही चला जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई एम होपफुल नॉट फ्रॉम एनी एवडी एल्स बट पीपल लाइक यू, यंग पीपल लाइक यू,
आप सही कह रही हैं, इसीलिए मैं कहता हूं मुझे ऑडियंस से कोई शिकायत नहीं। आज भी देखिए हम लोग एक एल्बम, एक मैं पिक्चर लिख रहा हूं उसमें 6 गाने, तो मैंने एक अपनी मर्जी से ले, दूसरा मैंने रजिस्ट कर लिया, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है यही होगा। अब मैं 3-4 बार अपनी मनवा लूं तो कभी तो भाई आगे भी इसके साथ काम करना, थोड़ा इसकी भी माननी पड़ेगी। तो अच्छा चलो मैं, चलो एक गाना ऐसा कर लेते हैं। तो होता क्या कि वो एक गाना है एल्बम में, लेकिन म्यूजिक कंपनी वाले को अपनी सिक्योरिटी उसी घटिया गाने में दिखेगी, तो वो उसी को टीवी पे भजवाएगा। वो जो अच्छा गाना है, जो ज्यादा एक जो रिपोज है, जिसमें कोई डेप्थ है, जिसमें कोई लिटरेरी वैल्यू है, वो उसे लगेगा ये खतरनाक है, ये गाना रहने दो भैया, पिक्चर में इन्होंने रख दिया है, लेकिन जो मैं अपना एल्बम बेचूंगा वो इस गाने से बेचूंगा। तो होता क्या है कि अगर आप एक पिक्चर का एल्बम लेंगी तो ऐसा भी होता है कि उसमें एक बेहतर गाना भी मौजूद था, लेकिन वो टीवी पे नहीं बजाया गया, टीवी पे ये दिखाया गया जिसकी रिंगटोन बन सकती है। तो ये मुझे लगता है कि धीरे 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 कहीं ना कहीं पीपल लाइक यू, अल्टीमेटली यू आर द एंड यूजर, आपकी बात जो है वो अल्टीमेटली इनकी समझ में आने ही वाली है। ऐसा हो ही, आई एम नॉट पेसिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर एट ऑल, ये जो है दिस टू शैल पास, और बेहतर गाने आपको फ्यूचर में मिलेंगे। साहब आप पढ़ेंगे? हेलो, वी कैन नॉट टेक एनी मोर क्वेश्चंस, आई एम सो सॉरी, इट्स आउट ऑफ टाइम कंप्लीटली। हम आजाद शायरी के बारे में बताइए जरा। हेलो, या अभी वेरी कैन नॉट, अभी पढ़ना जाने दो। हां, वी कैन नॉट टेक एनी मोर क्वेश्चंस, आई एम सो सॉरी, वी टोटली आउट ऑफ टाइम। आप पढ़ेंगे लास्ट पढ़ दीजिए। आपको एक छोटी सी पोएम सुना देता हूं। पोएम का टाइटल है आंसू। इसमें जो भी जरा से मुझे लगे अनफेमिलियर वर्ड मैं उन्हें ट्रांसलेट कर दूं। किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, यह आंसू क्या है, यह आंसू क्या मैं समझूं, यह आंसू क्या एक सबूत है मेरी दर्द मंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का, यह आंसू क्या एक गवाह है मेरी जिंदगी में खुलूस सिंसियरिटी की एक रोशनी का, यह आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास दिल है जो कि किसी की दिलदोस्त दास्तां जो सुनी तो सुन के तड़प उठा है, पराए शोलों में जल रहा है, पिघल रहा है। मगर मैं फिर खुद से पूछता हूं, ये दास्तां तो अभी सुनी है, यह आंसू भी क्या अभी ढला है, यह आंसू क्या मैं समझूं पहले कहीं नहीं था, मुझे तो शक है कि ये कहीं था, ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है, जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुर्बतें हैं ग्रेव, ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है, जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुर्बतें हैं, जहां मोहब्बत के उजड़े बागों में तलखियों के बबूल हैं और कुछ नहीं है, जहां से आगे हैं उलझनों के घनेरे जंगल, ये आंसू शायद बहुत दिनों से वहीं छुपा था, जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज दो सौरोज मसलहत एक्सपीडियंसी, वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे, जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे, तो करता फिर किस पे नाज आंसू कि हो गया बेजवाब आंसू एनी विदाउट अ रीजन, यतीम आंसू यसीर आंसू, न मौत पर था न क्रेडिबल था न रास्तों ही से बाखबर था, तो चलते चलते वो थम गया था, ठिठक गया था, झिझक गया था,
इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, यतीम मासूम है, ऑर्फन टियर, यतीम मासूम है जैसे जाना, कि इस कहानी की सरपरस्ती पेट्रिनेज, इस कहानी की सरपरस्ती मिले तो मुमकिन है राह पाना। तो एक कहानी की उंगली थामे, उसी के गम को रुमाल करता, उसी के बारे में झूठे सच्चे सवाल करता, ये मेरी पलकों तक आ गया। शायरी के बारे में ऐसा कहा गया है कि ये जादू होना हो, पर जादू जैसी कोई चीज जरूर है, हमारी तन्हाइयों का गीत है, बेचैनियों का संगीत है। तो ऐसे बेचैनी भरे माहौल में जावेद साहब, आपके साथ जो हमने समय गुजारा, उसके लिए मुझे आप ही के कलाम का एक शेर याद आता है कि कोई हाथ को हाथ ना सूझे ऐसी तारीकी थी, आ गए हाथ मेरी सितारे कैसे, न जाने सितारे कैसे। तो जादू जी आपका बहुत 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 शुक्रिया हमारे साथ समय बिताने का।